डीडीपी का चला पीड़ा पंजा, लाखों करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें हुई धराशायी, ये खबर आ रही है। हंसी से आपको बता दें कि आज फोर लाइन पर यह कार्रवाई की गई है और पीड़ा पंजा चलाया गया, अवैध रूप से बनाए गए निर्माणकारियों को ढाया गया है। पीला पंजा आने की भनक लगते ही लोगों में हड़कंप सा मच गया, लेकिन पीला पंजा एक पर एक बिल्डिंगों को ढाता हुआ आगे निकल गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लगातार शोरूमों पर कार्रवाई की गई है, दुकानों पर कार्रवाई की गई है और ये तस्वीर आपको हम दिखाने का काम किया जा रहा है। पुलिस की टीम मौके पर थी और आपको यही बता दें कि जिस समय पीला पंजा चल रहा था उस समय आसपास भारी संख्या में लोगों का हजूम देखने को मिला और पीला पंजा एक पर एक बिल्डिंगों को धराशायी करता हुआ आगे बढ़ता रहा। डीडीपी की टीम मौके पर मौजूद थी, भारी पुलिस मौके पर मौजूद थी और कार्रवाई चलती रही। एक पर एक शोरूमों को ढाता गया और एक पर एक दुकानों को ढाता गया और पीला पंजा आगे बढ़ता रहा। यह कार्रवाई दिल्ली पुल से लेकर ढाणा बाईपास तक की गई। आज जो कार्रवाई है, जो हमारे यहाँ कंट्रोल एरिया पब्लिश्ड है हांसी का, उसके प्रोविजंस के वॉयलेशंस में जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं अनऑथराइज स्ट्रक्चर, उसकी कार्रवाई हो रही है 1963 एक्ट के तहत। तो इनको नोटिस दिए गए थे पहले? नोटिस इन सभी दुकानों को दिए जा चुके हैं, पहले डीटीपी ने भी नोटिस दिए हैं, मैंने आके यहाँ पे जो है वेकेट ऑर्डर्स दिए हैं इनको खाली करने के लिए, पूरा हफ्ते का टाइम दिया गया है प्रॉपरली खाली करने को। आगे जो दुकानें हैं वो एक दोनों खाली भी करा है, साइट विजिट करी है मैंने। भरदम बिल्कुल भर है, ऐसा नहीं है कि ये दोबारा यहाँ पे बना लेंगे और उसी के लिए परमिशन नहीं ली जाएगी तो मैं दोबारा नहीं आऊँगी। बिल्कुल यहाँ पे लगातार जो है मेरी वॉच में है ये एरिया और मैं यहाँ पे दोबारा भी आऊँगी अगर कोई कमर्शियल एक्टिविटी मेरे डिमोलिशन आज के बाद भी मुझे नजर आएगी तो। मैडम क्या नाम आपका? गुंजन वर्मा, डीटीपी हिसार। करते हैं ना फिर जी, चार्ज लगता है? अच्छा, चार्ज बढ़ने के लिए तो तैयार हैं जी। नहीं ये तो जब आपके पास मान लो कोई नोटिस वगैरह भी आया होगा पहले। हाँ नोटिस नहीं, उस टाइम पे भी नहीं भरवाएगा चार्ज, हम उस टाइम भी भरने के लिए तैयार थे, उस टाइम पे कोई और मालिक होगा हमारे, हमने तो अभी भरवाने की प्रतिक्रिया तो ये 10 सालों से 15 सालों से चल रही है। मैंने तो अभी लिया था जी, 4 महीने से। 4 महीने से हाँ, मैं गुलशन कुमार नाम है जी, अपना यू है ये जो आपकी जो वर्कशॉप। हाँ ये अपने भाई मिलजुल के अपनी है यार, हमने 10-20 सालों से कोशिश कर रहे हैं, अभी सरकार हमारे पे कि मैं टैक्स लेके इसको परमानेंट कर दी। 12-20 साल पुरानी बिल्डिंग है लेकिन हम भरण जावा, ये कमी है वो कमी है, टैक्स लेती ना बार से टैक्स। ये तो आपने जो फॉर्मेलिटी वो पूरी नहीं करी क्या? ये आगे मैं जान तो देते, कहते आपके कागज पूरे नहीं है, ये पूरे करवा के ले आऊं या बनावा जब जब मना करना चाहिए सर। तो आपने ये टैक्स भरने के लिए आपने कहा था, देख लो आपके सामने क्या चल रहा है, विधायक चल रहे हैं हांसी का, दुर्भाग्य हांसी का कि हमने ऐसा विधायक मिला जो कॉलोनी काटने में व्यस्त है और गरीब आदमी मकान तोड़वाने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रोकने में। बड़ा दुख है इस बात का, सारे मकान पहले से बन रहे हैं, जो ये शोरूम बन रहे हैं, ये रोड ही तोड़ा हुआ है, बन पहले के रहे हैं। और हांसी के अंदर ही मैं इतने आपने मकान दिखा दूं, बड़े बड़े लोगों के, बड़े लोगों ने मैरिज पैलेस बना रखे हैं जिनकी सीएलयू नहीं है, मैं दिखा सकूं भाई साहब, पर उनका कोई जैसे भी नहीं बिठा सकता, वो सरकार के आदमी है। और अवैध कॉलोनी काटे हैं भाई, कॉलोनी काट दिया रोको ने, फिर इनसे क्यों खबी करो, तो अपने खेत में बनाए बैठे हैं ये, जो भी मकान तोड़े हैं, दुकान तोड़ी, अपने खेत में बना के बैठे हैं और ये सरकार की कायरता है और सरकार की गरीब मारी है। बड़ी मुश्किल से आदमी सारी उम्र में एक मकान बना पावा है और उसको इलीगल कह के 2 मिनट में पीवा पंजा चला के तोड़ दिया जावा है। देखो भाई एक बात जमा साफ है, मैं तो बार बार कहूं कि हांसी के विधायक को डूब के मर जाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए उसको कि उसके हल्के के गरीब आदमियों के मकान टूटने लग रहे हैं, वो ठाठते इसी में बैठे है। चंडीगढ़ चला गया होगा ऑर्डर दे के, मन तो नू भी शक है कि उसका नू डाउट है कि ये सारे मकान हाईवे के ऊपर बन रहे हैं, तोड़ दो और फिर तेरी कॉलोनी बढ़िया बिकेगी, नहीं तो लोग अरे खेतों में आप आपके खेतों में मकान बना लेंगे तो तारली कॉलोनी को लेनी है कोनी, इसलिए मेरे इस बात का भी शक है। और बात सुनो भाई, विधायक होता जनता की सेवा करने के लिए, कॉलोनी कटने खातर विधायक कौन बनाया? हांसी वाला ने जनता की सेवा करने खातर बनाया था, लेकिन वो अपने मुद्दों से और अपनी बात से हट गया पीछे, वो यहाँ कॉलोनी काट के पैसा कमाने में व्यस्त है और गरीब आदमी पिस्ता जाने लग रहा है।
एक भाई बताओ था, मैंने बोला जी विधायक ने चार फोन करे और अफसर ने फोन कौन उठाए, जतन की बात है भाई, जतन की बात है के? अरे हम आए, अफसर ने दो मिनट हमारे से बात करी, रियायत भी करी, विधायक का होगा तो फोन कौन उठावे, सौदा की में नहीं, फिर विधायक का सौदा की में नहीं, फिर कमजोर विधायक क्यों बनाया जन की अफसर है फोन कौन उठावे? अरे विधायक तो मर्द आदमी होना चाहिए, अफसर भी डकम डाक होना चाहिए विधायक का फोन देख के। इसका मतलब क्या है कि विधायक पैसे कमाने वाला विधायक है, अफसरा पर विधायक की कौन चल है, विधायक की दा भी कौन ही, सौदा है कि नहीं, फिर क्यों बैठे भाई कुर्सी के ऊपर, खाली करे को और डंका बाड़क बैठेगा और भाई साहब गलत काम करिया रोकेगा। जब हम बार बार कहने लाग रहे अधिकारी से कि मैं फीस भर देंगे, मौका तो दो, देसी आदमी है उन्होंने नहीं, मेरा फीस कड़े भरी जाएगी, किसी आदमी को नहीं पता जितने आदमी का मकान टूटने लाग रहेगी फीस कहाँ भरी जाएगी, और फिर भी जिम्मेवारी होती मने कि मैं फीस भरवाऊंगा, एक हफ्ते का टाइम दे दो, लेकिन अधिकारी हफ्ते का टाइम देने दे तैयार को नहीं, अगर कोई बड़ा नेता फोन करे तो हफ्ते का टाइम दे दे, लेकिन बड़े नेता को चंडीगढ़ है, कोई बंबई है, कोई खड़ा है, कोई मतलब नहीं है। मैं तो एक बात साफ कहना चाहूंगा, आज हमारी आत्मा दुख है, कितने लोग देखने लाग रहे हैं, कितने लोगों ने रिक्वेस्ट करी है, कोई मन नहीं लग रहा, प्रशासन यहाँ मस्ती से खड़ा है, कोई आदमी जैसे भी रोकेगा मुकदमा दर्ज कर देंगे, लठमान का काम करेंगे। सबसे बड़ी बात एक है, यहाँ दो विधायक है, दो विधायक है भाई साहब, दो कौन से जी? अरे एक तरह जितना विधायक है और एक चौटाला विधायक है, दुष्यंत चौटाला की फुल चाल दी बताओ, धक्का है उसकी, अमित शाह भी मानना है उसकी, मोदी भी मानना है, फिर उसका जो विधायक है उसकी क्यों नहीं मानना है रखो, क्योंकि रोल है कहीं ना कहीं दाल में काला है, कोई ना कोई कॉलोनी में वो भी सिर किरा पाओगा, बिल्कुल प्रधान जी, बिल्कुल बिल्कुल, कोई ना कोई कॉलोनी में सिर किरा पाओगा, इसलिए दोनों के दोनों विधायक घर बैठे हैं और गरीब आदमी का मकान टूटने लग रहे हैं। प्रधान जी मैं कहूंगा दुर्भाग्य है इस बात का, आसी का दुर्भाग्य है कि आज गरीब आदमी की मदद करने खातर दोनों के दोनों विधायक जेजेपी वाला और बीजेपी वाला घर लौट रहे हैं और गरीब आदमी का मकान टूटने लग रहे हैं। मैं तो साफ एक बात कहूंगा कि भाई बात सुनो, इस बीजेपी और जेजेपी सरकार के नेता जो हैं वो सही काम नहीं करने लग रहे, गरीब आदमी का मकान तोड़वाने लग रहे हैं, और मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि भाई जो जिसके अंदर आत्मा जीवित है, जो जिंदा नेता है, आड़ा आओ आराजन पीरा की ढाणी आड़ा की मदद करो, नहीं तो ये बर्बाद हो जाएंगे, किसी ने मकान को नहीं बनाने दे, कोई भाई नू सोचता मैं मेरे खेत में मकान बना लूंगा, मेरे खेत में दुकान बना के दो पैसे कमा लूंगा, बनान नहीं देंगे ये, फिर आ जाएंगे लठले की, हाँ उनकी अवैध कॉलोनी जो काट रखी है उसमें किमें बनाया जाओ, कोई कौन रोक है, क्योंकि कॉलोनी ये ऊन की है, ऊन ने बेचनी है, पैसे कमाने हैं, और यो ही मुख्य कारण है, मैंने तो यो ही लग गया भाई, बाकी आसी की जनता फैसला करेगी। मेरे तो लास्ट में एक ही अपील है, मैंने मैडम से अभी भी कही है कि मैडम छोड़ दो, गरीब आदमी है, कोई फीस का मामला है तो मैं भरवाऊंगा, मैं जिम्मेवारी उठूँ आजन की सबकी, लेकिन बार बार इसका कोई दोषी है तो आसी के दोनों विधायक दोषी है भाई साहब, इतना ही कहना चाहवांगे, और सारी जनता उरे खड़ी है, सारे लोग देखने लाग रहे हैं, भाई बहुत गलत काम होया, शीशे तक फोड़ दिए इसके, देख लो आपने क्या हाल कर दिया, बताओ भाई बताओ।